मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 6 जून से स्पेस में फंसे हुए, जो बहुत जल्द पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी वापसी नासा स्पेस में तकनीकी खामियों की वजह से डाउट में पड़ गई है। कुछ समय पहले यूएस एजेंसी ने कहा था कि नासा द्वारा सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट या स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से उस पर भी नासा फैसला नहीं ले पाया। स्पेस एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्टारलाइनर को पृथ्वी पर वापस लाने के बारे में नासा का निर्णय एजेंसी स्तर की समीक्षा के बाद आज लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि बोइंग ने स्टारलाइनर की सुरक्षा की घोषणा की है, लेकिन नासा के अधिकारी इससे सहमत नहीं है। अगर यूएस स्पेस एजेंसी स्टारलाइनर को आज यात्रा करने के लिए अयोग्य मानती है तो इसे प्रक्रिया प्रयोगशाला से हटा दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर विलियम्स और विलमोर फरवरी 2025 में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल पर वापस आएंगे, क्योंकि नासा ने ISS के लिए स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के लॉन्च में 24 सितंबर तक की देरी कर दी है। आज दुनिया भर की नजर नासा की आज की मीटिंग पर है, जिसमें इन एस्ट्रोनॉट्स के जीवन का फैसला होना है। भारतीय सुनीता विलियम्स के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि भारत ने पहले भी अपनी बेटी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को खोया है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।